हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है रुपेश और आप देख रहे हैं आर्यन इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास 20 इंच का सैमसंग CRT टीवी है, जो अब इसे हमें रिपेयर करना है। इसमें फॉल्ट क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आप सबको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम टीवी को प्लगिंग करते हैं। ये मैंने प्लग में लगा दिया है, देख पा रहे हैं स्टैंड बाय इंडिकेटर चालू हो गया है। हम इसे रिमोट से ऑन करके देखते हैं। ये रिमोट से स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है, स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है, इसमें रिमोट काम नहीं कर रहा है। रिमोट का कोई भी कि इस पे वर्क नहीं कर रहा है, देख पा रहे हैं आप, स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है। अब टीवी के बटन से हम स्टैंड बाय रिलीज करके देखते हैं। देखिए स्टैंड बाय रिलीज हो गया है, देख पा रहे हैं आप, ये डिस्प्ले भी आ रहा है। देख पा रहे हैं चालू हो गया है, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है जो अब आपको मैं दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिकली एवी मोड पे आ रहा है, यह ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है एवी मोड पे। तो अब इसे हम चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम, देख सकते हैं आप फिर से ये भी मोड से आ रहा है, ये देखिए ये भी रिक्का है। इसमें कौन सी सेक्शन में फॉल्ट है वो चेक करेंगे, देख पा रहे हैं ऐसा हो रहा है, ये टीवी में फॉल्ट, ये प्रॉब्लम ये है, देख पा रहे हैं आप टीवी बंद नहीं है, टीवी बंद नहीं हो रहा है, लेकिन एवी मोड पे डिस्प्ले जा रहा है आ रहा है, देख पा रहे हैं आप। देखते हैं ये अभी कौन से सेक्शन का फॉल्ट है, तो बने रहिए वीडियो में। और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जैसे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको हमने दिखा दिया है, तो अब हमने इस टीवी को खोल दिया है, तो अभी इस सर्किट पे हम सब वोल्टेज चेक करेंगे कि हमें सब वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं।
तो अब हम इसे मल्टीमीटर को हम क्राउन के साथ लगा दे रहे हैं। और आइए हम सब वोल्टेज चेक करते हैं। टीवी को चालू कर रहे हैं। चालू हो गया है। देखिए स्टैंड बाय लाइट रिलीज हो गया है और देख पा रहे हैं आप हमारी स्क्रीन भी आ रही है। तो अब हमें सब वोल्टेज चेक करना है। सबसे पहले 110 वोल्टेज चेक करेंगे। 114 ओके है। 25 वोल्ट ओके है। 12 वोल्ट ओके है। 13 वोल्ट ये भी ओके है। देख पा रहे आप 13 वोल्ट साउंड आई से कुछ आती है। 114 वोल्ट 25 वोल्ट 12 वोल्ट और यहाँ पे ट्यूनर पे देख लेंगे हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल गए हैं और मेमोरी आईसी पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए 5 वोल्ट मेमोरी आईसी पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। देख पा रहे हैं आप 5 वोल्ट हमें मिल गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें सब वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं, फिर भी ये टीवी में ऑटोमेटिक एवी आ रहा है। ये पैनल जहाँ पे अब ये बटन लगे हुए ये ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम के दो कारण हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेमोरी आईसी का डाटा डिस्टर्ब होने के कारण भी ये ऑटोमेटिक काम करती है। जो सामने का पैनल है वो हमारा ऑटोमेटिक काम करने लगता है इस मेमोरी आईसी का डाटा डिस्टर्ब होने के कारण। और दूसरा ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने के पैनल पे जो बटन है ये अगर खराब हो तब भी हमें ये फॉल्ट दिखने को मिलता है।
तो अब हम सबसे पहले इस मेमोरी आईसी को बदल के देखते हैं कि हमारा फॉल्ट सॉल्व होता है या नहीं। मैं इस मेमोरी आईसी का आपको नंबर भी दिखा दे रहा हूं। देख पा रहे आप, टू फोर सी 162 ये हमारी मेमोरी आईसी है। अब इसमें हम नया मेमोरी आईसी लगा दिया है। अब हम इसे वापस में चेक करते हैं। अभी इसका स्टैंड बाय लाइट आ गया है, अब स्टैंड बाय रिलीव करते हैं। चालू हो गया है। हम सामने से दिखते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी आ गया है। हम थोड़ी देर और चालू रख के देख लेते हैं इसमें ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देख पा रहे अब हम इस पे रिमोट चेक करते हैं। देख पा रहे आप, इस पे हमें कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए हमारा फॉल सॉल्व नहीं हुआ है, हमारा प्रॉब्लम नहीं क्लियर हुआ। फिर से वही कंडीशन पर हर है ये। तब हम लास्ट में जो अब भी ये सामने के पैनल के बटन है, हम अब इसे रिप्लेस करेंगे और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। इसके अब सब हमने बटन निकाल दिए हैं, देख सकते हैं आप, सारे के सारे बटन यहाँ पे हमने निकाल दिए हैं। देख पा रहे हैं आप, सब बटन निकाल दिए हैं। अब हम इस पे लाइन देके चेक करते हैं कि हमारा रिमोट इस पे काम करता है या नहीं। देख पा रहे हैं आप, लाइट है। अब हम इसके रिमोट से ऑन करके देखते हैं। देखिए अब हमारा रिमोट इस पे
काम कर रहा है। अरे हमारा टीवी ऑन हो गया है, देखिए आप डिस्प्ले पे मेनू लिखा हुआ आ रहा है। अब इस पे हमारा रिमोट वर्क कर रहा है जो कि पहले नहीं काम कर रहा था, देख पा रहे हैं आप सब। अभी मैं अब चेक करवा दे रहा हूँ, देखिए अब ये काम कर रहा है। तो ये अब हमारा प्रॉब्लम इस बटन के खराब होने से हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा था और ये ऑटोमेटिक एवी आ रहा था। तो अब हम इसमें नए वाले बटन लगा देते हैं। जैसे कि हमने सब पैनल के सामने के पैनल के सब बटन बदल दिए हैं, देख पा रहे हैं आप। अब ये हमारा टीवी देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है या नहीं। देख सकते आप स्टैंड बाय लाइट आ गया है और अब हम इसे रिमोट से देख पा रहे आप, स्टैंड बाय लाइट आ गया है। अब हम इसे रिमोट से स्टैंड बाय रिलीज कर देते हैं, देख पा रहे हैं आप स्टैंड बाय रिलीज हो गया है। देख सकते हैं अभी हमारा रिमोट भी वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। देख सकते हैं आप ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रहा है, फ्रॉन्टनेस कॉन्ट्रास्ट फुल कम ज्यादा हो रहा है और अपना कलर भी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो हम अब इस पे वीडियो लगा के चेक कर देते हैं। देख पा रहे हैं आप हमारा ये भी आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।